निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऋत्वेक ठाकुर ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए 19 मई को होने वाले मतदान को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और चुनाव कर्मियों के प्रशिक्षण एवं पूर्वाभ्यास का कार्य भी किया जा चुका है। मंडी में पत्रकार वार्ता करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र में 6 जिलों के कुल 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें मंडी के 9 विधानसभा क्षेत्रों के अलावा कुल्लू के 4 विधानसभा क्षेत्र, शिमला के रामपुर और चंबा के भरमौर क्षेत्र के साथ किन्नौर एवं लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। गौरतलब है कि मंडी का धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मंडी संसदीय क्षेत्र में कुल 12,81,462 मतदाता हैं, जिनमें 6,30,661 महिलाएं हैं तथा 6,50,796 पुरुष वोटर हैं। सर्विस वोटरों की संख्या 13,743 है। इसके साथ ही 5 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं। मंडी जिला में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक है। उन्होंने बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र में हर विधानसभा हलके में 2 मतदान केंद्र महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित किए जाएंगे। इसी प्रकार पूरे संसदीय क्षेत्र में 34 मतदान केंद्र ऐसे होंगे जिन पर महिला कर्मी ही मतदान करवाएंगी। इसी प्रकार मंडी संसदीय क्षेत्र में हर विधानसभा हलके में 2 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं भी यहां पर उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने बताया कि 4 एक्सिलरी मतदान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इनमें 2 बूथ उपमंडल सुंदरनगर के बनेड़ 11A और उपमंडल बल में विद आश्रम भंगरेटू 60A और 1-1 कुल्लू व काजा में स्थापित किया गया है। ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लिए 19 मई को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 2,083 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। मतदान के लिए 5,693 बैलेट यूनिट, 2,682 कंट्रोल यूनिट और 2,800 वीवीपैट को इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदान प्रक्रिया को ठीक तरीके से पूरा करवाने के लिए 11,300 कर्मियों की जरूरत है। रिजर्व में कर्मचारियों की संख्या के साथ कुल 13,116 कर्मी इलेक्शन ड्यूटी के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मंडी जिला में चुनावी कर्मियों की आवाजाही के लिए 340 बसें इस्तेमाल की जाएंगी। मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव के दिन नज़दीक आ रहा है। चुनाव 19 मई को होगा। सुबह उसका समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। मेरा सभी मतदाताओं से अपील है कि वो ज़रूर आए और अपना वोट कास्ट करें। कुल मिलाकर हमारे पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2,083 बूथ स्थापित किए गए हैं, जिसमें कि लोग अपना आके वोट कास्ट कर सकते हैं। जो कुल मतदाता हमारे पास इस पार्लियामेंट्री में है वो 12,81,462 वोटर्स हैं, जिसमें कि 13,474 ये हमारे सर्विस इलेक्टर्स हैं जो आर्मी पर्सनल है ऑन बॉर्डर। इस सब पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए लगभग 14,000 के करीब हमारे पोलिंग पर्सनल डिप्लॉय किए जाएंगे और उनकी जो फाइनल ट्रेनिंग है वो अभी चल रही है। आज और अगले कल 17 तारीख को पूरी पार्लियामेंट्री के सभी पोलिंग पार्टीज डिप्लॉय हो जाएंगे ताकि वो अपना बूथ सेटअप करें और 19 तारीख को सुबह मतदान शुरू कर पाएँ। ग्रे लिटरेट वोटर्स की परसेंटेज की बात करें तो वो कम है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो बिल्कुल ही जिनकी मोबिलिटी ज़ीरो है या जिनको किसी ना किसी आदमी की ज़रूरत है मूव करने के लिए भी, और ये जब सर्वे के दौरान हमारे पास इन्होंने बताया था कि इनको आवश्यकता है कि हम लोग इन्हें ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मुहैया कराएं, तो हमारे हर एक असेंबली सेगमेंट में जो है इनको गाड़ियों से बूथ तक पहुँचाने के लिए भी ARO's में रूट चार्ट प्रिपेयर किए हुए हैं और जहाँ जहाँ पे वो गाड़ी अवेल करा सकते हैं वहाँ पे उनको गाड़ी से
घर से बूथ तक लाने के लिए और बूथ से घर ले जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था भी है। प्लस आप पालकी की बात कर रहे थे, तो कुछ ऐसे बूथ हैं जिसमें सड़क से बूथ तक का कुछ डिस्टेंस है, तो कसोग में ऐसी पालकी की व्यवस्था भी कुछ बूथ पे की गई है। प्लस हमने सभी ARO's को ऐसा बोला हुआ है कि जहाँ जहाँ पे ऐसी ज़रूरत है दैट गाड़ी आपकी मान लीजिए पोलिंग स्टेशन के रोड एंड तक आ सकती है, वहाँ से कुछ पैदल है, तो जहाँ पॉसिबल हो पाए वी ट्राई टू अरेंज दैट ऑल्सो। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।